दोस्तों ये इंडिया की पहली ऐसी स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको AI क्रिएट फीचर मिल रहा है। लिटरली आप बोलकर वॉच फेसेस लगा सकते हो। अ रेड फरारी ऑन द रोड एंड ट्रिप को प्लान भी वॉच में कमांड देते ही कर सकते हो। एंड इस वॉच का नाम है नॉइस कलरफिट पल्स 4 मैक्स एंड आप इसे Amazon और नॉइस की वेबसाइट से बाई कर सकते हो। बट क्या आपको इसे बाई करना चाहिए, जानते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो तो ऐसे ही सिंपल टू द पॉइंट रिव्यू के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से एंड आपको कुछ बॉक्स ऐसा देखने को मिलता है एंड काफी कॉम्पैक्ट सा बॉक्स दिखेगा। एंड आपको बताते हैं कि मेरे पास ये दो कलर में आया है, एक है स्पेस ब्लू और एक है आपका रोज पिंक। एंड यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही सामने आपका वॉच रखा हुआ है एंड इसको निकालते हैं एंड अभी साइड में रखते हैं। यहाँ पे एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, वही मैग्नेटिक वाला चार्जर है। एंड उसके अलावा आपका यूजर मैनुअल के साथ आपको स्टिकर मिल जाता है एंड इसको सब कुछ साइड में रखते हैं। एंड बात करते हैं वॉच आपका कैसा इसमें देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर से कवरिंग हटाते ही आप देख सकते हो काफी एक प्रीमियम सी वॉच हमको देखने को मिलती है। एंड आपको बता दें ये पूरा एक मेटल फ्रेम के साथ आता है, साथ में काफी कॉम्पैक्ट आपकी वॉच लगती है एंड बहुत ही मतलब हैवी टाइप की नहीं है एंड वेट भी काफी लाइट है। प्लस अगर बात करें इसके स्ट्रैप का तो बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रैप इसमें देखने को मिलता है। एंड डिजाइन के बारे में सिंपल वर्ड में बोले तो काफी प्रीमियम वाली वाइब दे रहा है इसके मेटेलिक डिजाइन की वजह से। आप देख सकते हो काफी साइड इसके शाइनिंग कर रहा है। साथ में इसमें आपको फंक्शनल क्राउन भी मिलता है जिसमें कि आपका एक साउंड भी आता है, आपका क्लिक साउंड आता है, आप सुन सकते हो। एंड उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको क्राउन के साथ एक सेकेंडरी बटन भी देखने को मिलता है जिससे कि आप स्पोर्ट मोड को एक्सेस कर पाएंगे। एंड उसके अलावा आपको बीच में आप देख सकते हैं क्राउन और बटन के बीच में आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और दूसरे साइड स्पीकर ग्रिल के साथ बैक में आपको सेंसर मिलता है और चार्जिंग का स्लॉट मिल जाता है। और एक बात और बताना चाहेंगे, स्ट्रैप के रिगार्डिंग बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी साइज की बात करें तो ये 22mm साइज का ये स्ट्रैप है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 1.96 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और एमोलेड होने के वजह से आपको ये काफी अच्छी डिस्प्ले इसमें मिल जाती है। एंड सच में अगर टच रिस्पांस की बात करें तो बहुत ही क्विक है, कोई डिले नहीं मिलता है। एंड आपको और बता दें कि इसमें आपको 700 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है एंड इसको मैंने आउटडोर भी यूज किया तो कहीं भी ऐसा डिस्प्ले देखने में इश्यू नहीं आता है, काफी इजिली आप देख सकते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है और ये आपका IP68 की रेटिंग के साथ आता है जिसमें कि आप 1.5 मीटर तक 30 मिनट के लिए आप इसे समझ करके रख सकते हैं। एंड आपको तो पता है कि मार्केट में 1.96 इंच की एमोलेड डिस्प्ले की कई ढेर सारी वॉच के ऑप्शन है, बट ऐसे में नॉइस ने जो AI को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने वॉच में वो कहीं ना कहीं एक अलग से स्टैंड आउट हो रहा है। एंड उसको भी हम लोग वीडियो में और अच्छे से कवर करेंगे, आप खुद देखिएगा। बाकी अगर इसके थोड़ा सा UI की बात करें तो अगर आप टॉप में आप स्वाइप डाउन करते हैं तो नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं और अगर बॉटम से आप स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाता है। एंड और बताए तो अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिल जाता है जिसमें कि ढेर सारे ऑप्शन है और अगर राइट स्वाइप करते हो तो आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड फीचर मिल जाता है लाइक SPO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग वगैरह मिल जाता है। तो बाकी की और चीज कवर करने से पहले इसके AI फीचर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग AI क्रिएट के बारे में बताते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वॉइस कमांड देके अपने से यूनिक वॉच फेसेस जनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल आपको देते हैं, इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करना है एंड लेफ्ट स्वाइप करते करते आपको जब ये वॉच फेसेस पे प्लस आइकन दिखे तो आप उस पर टैप करिए एंड यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके आपको बस बोलना है कि आपको कौन सा वॉच फेसेस चाहिए। सपोज हम यहाँ पे बोलते हैं अ रेड फरारी ऑन द रोड, तो मैंने बोल दिया एंड यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ है और ये जनरेट कर रहा है। एंड देखते हैं कैसे ये पिक जनरेट करता है वॉच फेसेस। तो ये पहले दिखाता है कि सामने की हाँ आपने जो बोला है वो सही है कि नहीं। जैसे ही आप टिक करते हैं तो उसके बाद ये अपना जनरेट करना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्या ही गजब की ये फोटो जनरेट किया है। एंड इसके बाद आप जैसे ही टिक करेंगे तो ये आपका वॉच फेसेस लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि AI को यूज करके ये वॉच फेसेस लग चुका है एंड इसके अलावा भी मैंने कई वॉच फेसेस जनरेट किया है, आप देख सकते हो। एंड कमेंट में बताना कि कौन सा मस्त लग रहा है। सो अब हम आपको इसका AI सर्च फीचर बताते हैं जो कि लिटरली इतने काम का है कि आपको अपना मोबाइल छूने की जरूरत नहीं है। आपने वॉच से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए सिंपल सा होम स्क्रीन पे आपको लेफ्ट स्वाइप करना है एंड आपको स्क्रोल डाउन करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा AI सर्च का एंड उस पर आप टैप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आपको टैप करना है एंड जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं।
प्लान ए 5-day ट्रिप टू मनाली। आप जैसे ही बोल देंगे उसके बाद ये लोडिंग लिखेगा एंड आप इसके बाद देखिए कि ये वन बाय वन भाई शुरू हो गया लिखना, आपको डे वन से लेकर डे फाइव तक पूरा बता देगा कि आप मनाली में क्या क्या कर सकते हैं। तो आप वन बाय वन कुछ इसके मेन फीचर भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दें, जैसे ही आप बॉक्स से निकालोगे तो सबसे पहले आपको इसका नॉइज फिट ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है, देन ये सेटअप होता है। बाकी सेटअप करना काफी सिंपल एंड ईजी है, बहुत ईजिली पेयर हो जाता है आपके मोबाइल से। नेक्स्ट आपको बता दें कि इसके मेनू में जाके QR कोड का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपना मैक्सिमम 5 QR कोड को सेव कर सकते हैं, लाइक गूगल पे हो गया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। प्लस एक चीज हमको काफी इसकी सही लगी कि इसके मेनू स्टाइल, अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें आपको 7 लेआउट देखने को मिल जाता है, जो कि आप टाइम के अकॉर्डिंग अगर किसी लेआउट से बोर हो जाते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। एंड वॉच फेसेस की बात करें तो यहाँ पे जो आपको वॉच में मिलता है उसके अलावा आपको कई ढेर सारे क्लाउड वॉच फेसेस भी मिलता है जो कि आप ऐप के थ्रू चेंज कर सकते हैं। और अगर हेल्थ फीचर की बात करें तो यहाँ पे आप मेनू में जाके नॉइज हेल्थ में आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक्टिविटी से लेके हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस वगैरह सब ऑप्शन मिलता है। एंड इसमें आपको स्पोर्ट मोड भी काफी ढेर सारे मिल जाते हैं, सभी काफी अच्छे से कैटेगराइज है। और जब बात करते हैं इसके कॉलिंग का, तो यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है नॉइज बज, एंड जैसे उस पर टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप कॉल के रिलेटेड सभी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइक रिसेंट कॉल, डायल पैड, कॉन्टेक्ट्स, एंड यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट्स है आप अपने मोबाइल से सिंक कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 कॉन्टेक्ट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर कॉल की क्वालिटी की बात करें तो ये एक सैंपल आप सुन लीजिए। हेलो, और क्या हाल है? सब बढ़िया। और आजकल क्या चल रहा है? इसके अलावा बात करें तो आपको वॉच में म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ में अगर मेनू के कुछ और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको कैमरा फोटो क्लिक करने का भी ऑप्शन मिलता है, और AI वॉइस का आप अपने वॉच से ही वॉइस कमांड देके आप कुछ भी अपना Hey Siri या गूगल को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आपको अपने वॉच में गेम भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी सही है, मतलब फ्री टाइम पे आप अपने वॉच में ही गेम खेल सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टॉक की भी इन्फॉर्मेशन अपने वॉच में पा सकते हो, और सेटिंग में आपको फाइंड माई डिवाइस के साथ आपको अपने वॉच में पासवर्ड भी लगाना है तो वो भी लगा सकते। एंड अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्मार्ट वॉच में काफी मैटर करता है कि उसकी बैटरी लाइफ कैसी है, तो वैसे अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये 2 घंटे में आपका चार्ज हो जाता है, और इसके बैकअप की बात करें तो ये 1 हफ्ते 1 वीक आपको मतलब काफी अच्छे से आप इसको यूज कर पाओगे। बाकी अगर स्टैंड बाई में आप चलाते हो तो अप टू 30 डेज आपका ये चलने वाली है। तो इतना सब कुछ बताने के बाद अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये वॉच आपकी 2799 में अवेलेबल हो जाती है, और वहीं अगर 3000 के अंदर कोई अगर वॉच है जिसमें कि आपको एमोलेड डिस्प्ले तो है उसके साथ साथ AI फीचर भी मिल जाए जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल चीज अपने वॉच से ही कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये अलग से स्टैंड आउट हो रहा है, एंड इसके साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया है, कवर नहीं किया है, तो आप कॉमेंट में पूछ लेना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे।